लाइट कैमरा एक्शन से पैकअप तक, पर्दे के आगे से पर्दे के पीछे तक, सितारों की चमक से सितारों के अंधेरे तक, डायरेक्टर के ऑर्डर से प्रोड्यूसर के नखरे तक। वेल, अगर इन्हीं सब खबरों की आपको हो रही है तलब, तो भाई आप आ गए हैं ऑन द राइट तरफ। वेल, हेलो एंड वेलकम टू खबर फिल्मी। आई एम जीनिया कामिल, जो लेकर आती हूँ आपके लिए हर बार बॉलीवुड से यानी कि फिल्मी नगर से सारी चटपटी खबरें। तो बिना वक्त जाया किए आइए चलती करते हैं आज की खबरों का सिलसिला शुरू। So let's begin our show with our first segment, jiska naam hai What's Releasing. Well, Sara Ali Khan and Varun Dhawan star Kuli Number 1, which is a remake of Bollywood 99 blockbuster film Kuli Number 1, jisme star kiya tha Govinda and Karishma ne, jo bahut hi badi hit jodi thi. And jab se ye movie release hone ke liye announce hui hai, tab se fans ki nazrein is par tiki hui hain, besabri se fans iska intezar kar rahe hain. Well, that's a good news for you, kyunki finally is movie ki release date announce ho gayi hai. And release date ko announce karte hue Sara ne मूवी का एक वर्क सा पोस्टर भी रिलीज किया है, पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। तो आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में डिटेल में INS की स्पेशल रिपोर्ट से। सारा अली खान और वरुण धवन जल्द ही आगामी फिल्म कुली नंबर 1 में साथ नजर आएंगे। अब इस फिल्म की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। सारा ने अपने इंस्टाग्राम पर इसे शेयर करते हुए लिखा, एंटरटेनमेंट की सॉलिड शुरुआत, कुली नंबर 1 से फर्स्ट मुलाकात 28 नवंबर दोपहर 12 बजे फेसबुक, यूट्यूब और अमेज़न प्राइम वीडियो पर फिल्म कुली नंबर 1 का सबसे पहले ट्रेलर देखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यह लाइव ट्रेलर प्रीमियर होने वाला है। सारा अली खान और वरुण धवन काफी समय से फिल्म को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। अब तक इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया था, पर अब फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Amazon पर आराम से देख सकेंगे। बता दें कि इससे पहले यह फिल्म 1 मई को थिएटर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसकी रिलीज डेट टाल दी गई। INS रिपोर्ट। बढ़ते हैं सेगमेंट की नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वेल, कबीर सिंह की प्रीति आई मीन कियारा एडवानी की अपकमिंग मूवी जिसका नाम है इंदु की जवानी, विच इज गोइंग टू बी अ रोम कॉम, इज गोइंग टू बी रिलीज इन थिएटर सून। वेल, यू हैड मी। इतना ही नहीं, ट्रेलर जो रिलीज हुआ था कुछ दिनों पहले इस मूवी का, उसने धमाल मचा दिया है। वेल, यस। एंड और इस मूवी का जो एक सॉन्ग रिलीज हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, उसमें भी कियारा की एनर्जी एंड डांस मूव ने फैंस का दिल जीत लिया था। सो फैंस जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस मूवी का, उनके लिए है खुशखबरी, क्योंकि इस मूवी का अगला गाना भी आज आउट हो गया है। तो आइए जानते हैं मूवी के ट्रेलर एंड इस सॉन्ग की डिटेल के बारे में हमारी रिपोर्टर ज्योति से, जो रखती हैं बॉलीवुड की खबरों पे सारी नजर। जीनिया, इंदु की जवानी नाम से ही बहुत कुछ बयां हो जाता है। ट्रेलर लॉन्च हुआ है, 3 दिन में 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज फिल्म के ट्रेलर को मिल चुके हैं, और जो पहला गाना रिलीज हुआ था तब भी बहुत पसंद इसको किया गया था, और दूसरा गाना जो हीले टूट गई हैं उसको भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। खूब बेहद खूबसूरत कियारा इन गानों में अपने फिल्म के ट्रेलर में नज़र आ रही हैं। खास बात ये कि इस फिल्म में जो कियारा ने रोल अदा किया है, गाज़ियाबाद की एक लड़की इंदु का किरदार कियारा इस फिल्म में जीनिया निभा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि इस किरदार को निभाने के लिए, इस किरदार के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कियारा ने बहुत तैयारी की थी, गाज़ियाबाद की जो आम बोलचाल की भाषा है उसको सीखा था, ताकि बिल्कुल ठेठ गाज़ियाबाद की लड़की इस फिल्म में कियारा आडवाणी लगे। और कहीं ना कहीं जो ट्रेलर मैंने देखा है जीनिया, उसमें जो उनका लहजा है वो झलकता है उसमें, कि आप यूपी की साइड की आप भाषा बोल रही हैं। कहीं ना कहीं इस फिल्म में जो ट्रेलर के जरिए पता चल रहा है, ट्विस्ट तब आता है जब जो गाज़ियाबाद की लड़की है उसका कनेक्शन पाकिस्तान तक जुड़ जाता है, और वो कनेक्शन कैसे पाकिस्तान तक जुड़ता है ये आपको फिल्म देखने जाना ही पड़ेगा, और तभी आपको पता चलेगा। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज करने वाली हूँ, आपका मज़ा नहीं ख़राब करने वाली हूँ। तो 11 दिसंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है। अबीर सेन गुप्ता ने पूरी कोशिश की है कि ट्रेलर के जरिए ही दर्शकों को इस फिल्म तक खींच पाए, सिनेमा हॉल तक खींच पाए, क्योंकि देखिए अभी कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा घरों से बाहर निकल नहीं रहे हैं, पिक्चर हॉल तक जाने की जहमत इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि ज़्यादातर फिल्में आप नेटफ्लिक्स पर या अमेज़ॉन पर ही देख लेते हैं। अब पिक्चर हॉल तक जाने का कोई तो बहाना चाहिए ना, कुछ तो आपको ऐसा अट्रैक्टिव लगना चाहिए ट्रेलर में
कि दर्शक ये सोचें, लोग ये सोचें कि चलिए भैया इस फिल्म के लिए हम चले चलते हैं सिनेमा हॉल फैमिली के साथ, लेकिन पूरी दो गज की दूरी हम निभाएंगे, मास्क पहन कर जाएंगे। तो अबीर सेन गुप्ता ने पूरी कोशिश तो की है और कहीं ना कहीं वो कोशिश दिख भी रही है। इस फिल्म के ट्रेलर को देख कर लग रहा है कि फिल्म काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। इस फिल्म में मलिका दुआ भी आपको नजर आएंगे और मलिका दुआ यहाँ पर हैं तो कॉमेडी का भरपूर डोज इस फिल्म में आपको मिलने वाला है। इंदु की अहम सहेली का किरदार उन्होंने इसमें निभाया है। इंदु की बेस्ट फ्रेंड बनी है वो इसमें, जो कि इंदु को सलाह देती हैं कि आप डेटिंग ऐप से अपने लिए एक लड़का ढूंढो, और इस डेटिंग ऐप के जरिए एक ऐसी लड़की से इसमें इंदु टकरा जाती है जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से होता है। चलिए तो पहुंचिए 11 दिसंबर को सिनेमा हॉल में, ये फिल्म देखिए और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये फिल्म आपको कैसी लगी इस फिल्म को देखने के बाद। जीनिया, आज की अगली न्यूज अबाउट कृति खरबंदा एंड विक्रांत मेसीवल। दोनों ही अपनी मूवीज एंड अपने रोल्स के लिए काफी जाने जाते हैं, अपनी रीसेंट रिलीजेस को लेकर भी वो काफी फेमस हुए हैं। तो अब उन दोनों को एक साथ कोलैब करने का मौका मिल गया। यस, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट कोलैब, क्योंकि इन दोनों की अगली मूवी यानी कि इन दोनों की जो मूवी है वो एक साथ आने वाली है एंड उसकी शूटिंग रिसेंटली शुरू हो गई है। शूटिंग मूवी की डिटेल्स को लेकर कृति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। तो आइए जानते हैं इस मूवी की डिटेल के बारे में INS रिपोर्ट से। अभिनेत्री कृति खरबंदा और विक्रांत मैसी ने अपनी आगामी फिल्म 14 फेरे की शूटिंग शुरू कर दी है। कृति ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर के साथ इस खबर को शेयर किया, जिसमें दोनों कलाकार एक ट्रेन में पोज देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि फिल्म के निर्देशक दिव्यांशु सिंह क्लैप बोर्ड पकड़े देखे जा सकते हैं। इसे शेयर करते हुए कृति लिखती हैं, फिल्म से संबंधित अन्य जानकारी अभी सामने नहीं आई है। INS रिपोर्ट। वेल, आज के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है व्हाट्स वायरल। वेल, बिना डाउट के व्यूअर्स, अगर मेरी माने तो आई थिंक मालदीव्स इज द मोस्ट वायरल थिंग राइट नाउ, बिकॉज जिस तरह से, जिस रफ्तार से फिल्म्स फ्रेटर्निटी के लोग सेलेब्स एक के बाद एक करके मालदीव्स जा रहे हैं, आई थिंक मालदीव्स इज गोइंग टू बिकम द न्यू बॉलीवुड हॉटस्पॉट फॉर सम टाइम फॉर श्योर। वेल, जोक्स अपार्ट, अब रिसेंटली मालदीव्स में वेकेशन को एंजॉय करते हुए स्पॉट किया गया सोनाक्षी सिन्हा, प्रीति जिंटा एंड उनके हस्बैंड को। वेल, लेट मी नॉट स्पिल द बीन्स ऑन दिस बिकॉज दोनों ही लग रही हैं काफी सिजलिंग। तो आइए देखते हैं उनका ये स्टाइलिश अंदाज हमारी INS रिपोर्ट से। अभिनेत्री प्रीति जिंटा इन दिनों अपने पति जीन गुडेनफ के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। इससे जुड़ी कुछ झलक प्रीति ने अपने प्रशंसकों संग शेयर की है। गुरुवार को अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए प्रीति ने लिखा, इसके साथ प्रीति ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह अपने पति संग बर्फ में खेलती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा मालदीव में अपना वेकेशन मनाने के बाद मुंबई वापस लौट चुकी हैं। गुरुवार को उन्हें मुंबई एयरपोर्ट के बाहर देखा गया। ब्लैक टॉप और डेनिम पहने सोनाक्षी यहां दिखी। सोनाक्षी ने अपने वेकेशन से जुड़ी कई तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर की थी। काम की बात करें तो सोनाक्षी को हम फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में देखेंगे। INS रिपोर्ट। INS रिपोर्ट। मालदीव इतना ट्रेंडिंग हो रहा है तो चलिए चलते हैं हमारी बॉलीवुड रिपोर्टर ज्योति के पास, उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से सारे फिल्म फ्रेटर्निटी वाले एक के बाद एक करके मालदीव्स पहुंच रहे हैं। आई मीन व्हाई इज मालदीव सो वायरल दीज डेज, सो ट्रेंडिंग दीज डेज? तो ज्योति हमें ये बताइए कि सारे फिल्म सितारे जो हैं वो मालदीव्स वेकेशन मनाने क्यों जा रहे हैं? जीनिया, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मालदीव ही आखिर क्यों सब जा रहे हैं? और आपने भी मेरे से ये बात शेयर की थी कि आप खुद मालदीव जाना चाहती हैं अगर आपको मौका मिले। मैं भी जाना चाहती हूँ, इतनी खूबसूरत तस्वीरें वहाँ की शेयर कर रहे हैं सभी बॉलीवुड स्टार्स अपने इंस्टा पर, और लिस्ट लंबी है। अभी फिलहाल सोनाक्षी सिन्हा वहाँ पर हैं, इससे पहले नेहा धूपिया, सामंता प्रभु वहाँ पर अपनी हॉलीडेज मना रही हैं, रकुल प्रीत कुछ दिन पहले अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर नजर आई थी, तापसी पन्नू अपनी बहनों के साथ वहाँ पर छुट्टियाँ मनाती हुई नजर आई थी, और आगे भी न जाने कौन कौन से नए चेहरे आपको बॉलीवुड के वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो वहाँ पर अपना टाइम बिता रहे हों। जीनिया, सवाल आपने ये पूछा क्यों लोग वहाँ पर जा रहे हैं, देखिए इसका एक मुख्य कारण ये भी है
कि जब से लॉकडाउन हुआ था सभी लोग अपने घरों में कैद थे, अब अनलॉक हुआ है उसके बाद धीरे धीरे सभी चीज़ें खुल गई हैं। अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें तो एयर बबल नाम की एक चीज़ होती है, ये दरअसल दो देशों में करार होता है। इसके ज़रिए ये होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सिर्फ जो तय देश हैं उन्हीं की फ़्लाइट उड़ सकती है, और मालदीव के साथ भी यही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो ICMR की जो लिस्टेड लैब है वहाँ से आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा। यहाँ पर वन आइलैंड वन रिजॉर्ट का कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कोरोना के वक्त में अपना फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए जा रहे हैं कि आपको भीड़ के बीच में जाना पड़ेगा या काफ़ी लोगों के बीच में आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पर वैसा भी कुछ नहीं है। यहाँ के जो तमाम होटल्स हैं रिजॉर्ट्स हैं स्वच्छता का काफ़ी ख्याल रखते हैं, तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, तो यहाँ पर ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो खूबसूरती यहाँ की है वो सबको अपनी तरफ खींचे लिए जाती है। यही एक बड़ी वजह है कि फिल्म स्टार्स यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए पहुँच रहे हैं। एक बड़ी वजह ये भी है ज़ीनिया कि यहाँ का जो मौसम है वो इस महीने में इस वक्त में बेहतरीन माना जाता है। 29 डिग्री से लेकर 31 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पर होता है, बारिश भी इन दिनों नहीं होती है। तो इतना खूबसूरत मौसम, इतना खूबसूरत, इतने खूबसूरत नज़ारे आसपास देखने को आपको मिलेंगे, तो बेस्ट वक्त ये है मालदीव जाने का। और इसके अलावा एक और जो बड़ी वजह वो ये है कि यहाँ पर आपको पूरी प्राइवेसी मिलती है अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। तो ये एक बड़ी वजह है कि सभी बॉलीवुड स्टार्स यहाँ का रुख कर रहे हैं ज़ीनिया। और मैं यही विश करूँगी कि आने वाले वक्त में मुझे आपकी भी कोई पिक्चर वहाँ से देखने को मिले ज़ीनिया। वेल थैंक यू सो मच ज्योति हमसे बात करने के लिए और हमें बताने के लिए कि मालदीव इतना ट्रेंडिंग क्यों हो रहा है। तो व्यूअर्स इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला तो यहीं खत्म होता है, बट डोंट वरी आई विल बी बैक विद अनदर एपिसोड जिसमें मैं आपको दूंगी बॉलीवुड की खबरों की एक और रोमांचक कहानी। सो तब तक के लिए लूंगी आपसे अलविदा। कीप वॉचिंग खबर फिल्मी ओनली ऑन INS TV।